हेलो नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ बहुत अच्छे लीडर हैं जो बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जीरो से शुरुआत की, काफ़ी स्ट्रगल देखा, आज अचीवमेंट भी है, आज इनकम भी है। और मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के एक बहुत अच्छे लीडर से, बहुत अच्छे व्यक्तित्व, जिनका नाम है करण कुमार जी। तो करण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर, तो आप आए इसके लिए हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं। और हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत जानने को उत्सुक है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो ग्राउंड लेवल पे व्यक्ति काम करता है तो वो क्या होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा जाता है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, क्या वो सब बातें सच हैं या वो सब बातें झूठ हैं या क्या है। तो हम आपसे कुछ सर पूछना चाहते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सर, आप सबसे पहले अपना एक प्यारा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस चैनल का निर्माण किया और बहुत सारे जो डायरेक्ट सेलिंग लोग करते हैं उनको एक मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म से उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिले उनको, राइट। थैंक यू सर, तो इसके लिए बहुत आपको अप्रिशिएट करते हैं हम। थैंक यू सर। और रही बात मेरी, तो मेरा नाम करण कुमार है और मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट बलिया से बिलोंग करता हूँ, जो कि दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जी, और अभी हम लोग बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करते हैं। और बिल्कुल एक आम आदमी का क्या क्वेश्चन होता है, वो सारे क्वेश्चन का हमने कहीं ना कहीं सामना किया हुआ है। जी सर, तो बहुत सारे अनुभव हैं और उनमें से कुछ अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी सर, जरूर। जैसे हम जब भी किसी को बिजनेस प्लान के बारे में बताते हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते हैं, वो सामने वाला व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बहुत ही ज़्यादा निगेटिव रहता है। जी, और इसका एक मैं बहुत बड़ा आपको कारण बताऊंगा इसका, कि वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के क्यों निगेटिव है। जी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, जब डायरेक्ट सेलिंग सर सन 1995 में जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आया, जी जी, तो सर आपको पता होगा कि जब भी कोई किसी भी देश में कोई मौका आता है तो उस मौके के साथ साथ उसके पीछे धोखा भी रहता है। जी, राइट। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी थी। जी, लेकिन वहीं जो खराब माइंडसेट के लोग हैं उनके लिए क्या आता है, धोखा देने का मौका कमाने का एक रास्ता था। जी, तो उस दौरान अब भारत सरकार का भी कोई ध्यान नहीं था इसके ऊपर, राइट। तो इससे क्या हुआ कि जो गलत माइंड, कुछ अच्छी कंपनियां आई इंडिया के अंदर, लेकिन जो गलत माइंडसेट के लोग थे उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट को चुराया। जी, और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को कॉन्सेप्ट को अपनी अपनी तरीके से लोगों तक नए तरीके से उसको उसमें से प्रोडक्ट गैप कर दिए और स्कीम बना करके पैसे को रोटेट कर रहे हैं, मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं। इस तरीके की चिट फंड कंपनियां बहुत सारे जो है देश में लोगों ने तरीके से चलाई। जी, इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में बहुत ज्यादा निगेटिविटी फैल गई। जी, राइट। और ये निगेटिविटी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जब भी कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर जो कि आज ही बिजनेस को ज्वाइन किया है और जैसे ही अपने पड़ोसी लोगों को बताता है तो उसको बहुत सारी निगेटिव चीजें सुनने को मिलती है। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि सारा जो मार्केट लोगों ने ही खराब किया है। जी सर, राइट। और जब सारा मार्केट लोगों ने खराब किया है तो इस मार्केट को भी हमें एज ए डायरेक्ट सेलर ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस मार्केट को सही करें। जी सर, राइट। ये सर एक छोटा सा वो है, हमने बताया अपना एक्सपीरियंस और बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं एक ही सवाल के जवाब में इतना समय नहीं लूंगा। जी सर, आप दूसरा सवाल पूछ सकते हैं। तो सर, हमारा एक और आपसे बहुत सुंदर सा सवाल है कि इस समय आप कितने समय से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और इस समय आपका अचीवमेंट क्या है सर? जी सर, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे जिनका नाम है मुकेश जी, और मुकेश जी ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया और उस दौरान मुझे डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता था जिस समय उन्होंने बताया मुझे। उस समय मैं कॉलेज के टाइम में मैं था और 3 साल पहले लगभग उन्होंने पहले 3 साल से पहले उन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया था। और उस दौरान से लेकर के अभी तक तो शुरुआत में जैसे सबके साथ होता है कि लोगों को एक अच्छी कंपनी नहीं मिल पाती है, राइट। ये सबके साथ होता है, जितने भी बड़े बड़े नेटवर्कर हैं पहली बार में सबको अच्छी कंपनी नहीं मिली है। तो ऐसे ही हम बहुत सारे जगह कई प्लेटफॉर्म को ट्राई किए, शूट नहीं करा या बहुत सारी दिक्कतें आईं, कई में सिस्टम को लेकर के दिक्कतें आईं, कई में मैनेजमेंट को लेकर के दिक्कतें आईं। इस तरीके से क्या हुआ कि हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भटके, लेकिन एक जब धीरे धीरे समझ आई तो एक राइट प्लेटफॉर्म पे आए। जी सर, और जब राइट प्लेटफॉर्म पे आए तो आज से 10 महीना पहले हमें एक बहुत अच्छा सिस्टम मिला,
ठीक है, और इस सिस्टम के माध्यम से हम लगभग 10 महीने से काम कर रहे हैं, और 10 महीने में हम ज़्यादा तो कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो फ्रेशर नेटवर्क है उसके लिए अच्छा कह सकते हैं। 10 महीने में हमने यहाँ से अच्छे खासे पैसे कमाए और एक बाइक परचेज करी, ठीक, और उसके साथ साथ जो अपने खर्चे, क्योंकि शुरुआती दौर पर जब आप कोई जॉब नहीं करते हैं, डायरेक्ट अगर डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करते हैं तो बहुत सारी जो है समस्याएं आती हैं, तो उसको मैनेज करके आगे चलना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और ये हमने किया और इसको हम इस तरीके से आगे प्रमोट कर रहे हैं और ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। जी, तो सर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन को कैसे देखते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत, सर आपने अच्छा सवाल पूछा, नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन सर इतना ज़बरदस्त होता है, इतना अच्छा होता है, मेरा ऐसा मानना है कि जिस व्यक्ति के पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जी, जिस व्यक्ति के पास बिल्कुल भी स्किल नहीं है, उसकी कोई पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है, जी, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग के माहौल में केवल आ जाता है, उसको बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग के एजुकेशन सिस्टम में सीखने को मिल जाता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक ऐसा बंदा था जो, अब हमारा जो प्रोफेशन था, जो हम पढ़ाई कर रहे थे, वहां पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट से था वो, जी। अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट में क्या था, हम लोग दिन भर मशीनों के बीच में रहते थे, तो मशीनों से रिलेटेड क्या करना है, लेथ मशीन को कैसे चलाना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हमें पता थी, लेकिन लोगों से कैसे डील करना है इसका हमें एबीसीडी भी नहीं पता था। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में आया तो यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है, लोगों से मिलना होता है, लोगों से ही बातें करनी होती है, और मैं तो इतना ज्यादा मेरा जो है कॉन्फिडेंस वीक था कि मेरा फोन भी आता था तो मैं सोचता था कि आप मेरा फोन से बात कर लें, ये हालत थी मेरी जी। और आज मैं कहता हूँ ज्यादा बड़ा अचीवमेंट तो नहीं हुआ है, एक बाइक कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब वाले लोग खरीद लेते हैं, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस इतने दिनों में आया, वो कॉन्फिडेंस शायद मैं ट्रेडिशनल मार्केट में होता, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम एजुकेशन में नहीं आता, तो ये कभी भी मेरे साथ होता नहीं। तो इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग का, एजुकेशन सिस्टम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिस्टम आया जिसकी वजह से हम अपनी स्किल को डेवलप कर पाए। इतने सामने पटर पटर आपके सामने बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें सोच के, आपने मेरे को कोई सवाल बताए भी नहीं थे, तो ये सब डायरेक्ट सेलिंग की ही बदौलत है सर। जी सर, तो सर ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में चोरी होती है, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के पैसों की हेरा फेरी होती है, डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियाँ पैसा समेट के निकल लेती हैं, या डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के करियर तबाह भी होते हैं, या मतलब बहुत तरह की बात है, टोपी पहनाने वाला बिजनेस है, लूटने वाला है, लालच वाला है, इसमें फंस मत जाना। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप, अगर ये सच है तो कितनी सच है, और अगर ये झूठ है तो ये इतना बड़ा झूठ क्यों है? जी, बहुत ही ज़बरदस्त आपने सवाल पूछा है, और ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है जी, और आप बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं, और ये लोगों का बिल्कुल जेन्युइन सवाल है जी, कि कंपनियां बेवकूफ़ बनाती हैं, कंपनियां लोगों का पैसा लेकर के भाग जाती हैं, ये बिल्कुल बात उनकी सही है, और इस बात में मैं 100% का समर्थन करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल उनके साथ हुआ है ऐसा जी, राइट। अगर लोगों के साथ हुआ नहीं होता तो बोलते नहीं, है ना, और वो जब लगातार इस बात को बोल रहे हैं, इसका मतलब उनके साथ ये बात, ये घटना घटी है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग को, डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन को समझा नहीं, डायरेक्ट सेलिंग क्या है इसको नहीं समझा, आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, जो डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में जो चिट फंड कंपनियां काम कर रही थी, जो प्रोडक्ट की आड़ में आपको पैसा मनी सर्कुलेशन कर रही थी, इसके चक्कर में कहीं ना कहीं आप फंस गए होंगे, और उसकी वजह से आप निगेटिव हैं। जो लोग भी निगेटिव है मार्केट में, जो भी ये बातें बोलते हैं, ये कंपनियां टोपी बनाती हैं, ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, राइट। लेकिन जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के जो है सिस्टम को समझते हैं प्रॉपर तरीके से, वो कभी भी धोखा नहीं खाते हैं। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है सर, अगर एजुकेशन है तो वो कहीं भी मार नहीं खाने वाले हैं। तो सर आप डायरेक्ट सेलिंग में कुछ अच्छी कंपनियों के बारे में जानते होंगे या अच्छे लीडर्स के बारे में जानते होंगे, तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में कुछ अच्छे लीडर्स हैं जिन्होंने अपने आप को साबित किया है और जो आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसे कुछ व्यक्ति को नाम आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, और मुझे तो सबसे पहला नाम आप ही कह रहा है कि आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट करी है जी। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये करी है कि आपने ये चैनल बना दिया जिससे लोगों को बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। ये तो पहली अचीवमेंट में तो नितिन स्वामी सर है जिन्होंने इतनी अच्छी अचीवमेंट करी है, और ये अचीवमेंट करने के बाद चाहते हैं कि लोगों का भी भला हो, इसलिए इंटरव्यू ले रहे हैं। और बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के अंदर, जैसे सोनू शर्मा है, सिद्धार्थ सर सर हैं,
पुष्पक राज ठाकुर भी एक नाम आता है, और सुरेखा भार्गव एक मोदी केयर की हैं जी। बहुत सारे लीडर हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, बहुत सारे अचीवमेंट हैं लोगों ने किए हैं। और कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक आइकन मान करके और आगे को बढ़ते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं और किसी भी कंपनी में काम करते हैं वहाँ पर वो ग्रो करते हैं। तो सर आप एक बात बताइए, आप 10 महीने से बता रहे हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आप इस बिजनेस को किस तरह से करना पसंद करते हैं? किस तरीके से इन द सेंस आप इसको किस तरीके से करते हैं और भविष्य में किस तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे कौन से स्टेप हैं जो आप फॉलो करते हैं? जी, और ये आपने बिल्कुल ही अंदर का सवाल पूछ लिया और मैं बता ही देता हूँ आपको जी कि मैं किस तरीके से इस बिजनेस को करना पसंद करता हूँ। देखिए, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी थी सर जी, तो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी तो सबसे बड़ा जो मेरे को ये था कि मेरे को डर बहुत था कि लोगों से कैसे बात करेंगे। बिल्कुल, है ना, लोगों से कैसे बात करेंगे, इस बात का सबसे बड़ा डर था। शर्म बहुत आती थी जी सर, और अपने पास पैसे भी नहीं थे और शर्म बहुत आती थी, तो दोनों तो चलेगा नहीं है ना। नहीं चल, तो ये सब चीजें थी, डर भी बहुत था, शर्माते थी बहुत थे, और कंफर्ट जोन में रहने का आदत था जी। अब टेंशन था ही नहीं, घर से पैसे मिल जाते थे, अपना कॉलेज गए नहीं गए मस्त इंजॉय करते थे, इस तरीके की लाइफ थी। बट जब डायरेक्ट सेलिंग में आया और बहुत सारी जिम्मेवारियों का यहाँ पर पता चला कि लाइफ में आपको क्या क्या आगे होने वाला है, फ्यूचर दिखाई दिया जी, वहां से जैसे जैसे माइंडसेट चेंज हुआ, तो मेरे को तीन चीज लगती है अगर डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी व्यक्ति को कामयाब होना है तो सबसे पहला नंबर है उसको अपना डर निकालना चाहिए। सही है, पहले अपना डर निकाल दे, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, सारी स्किल डेवलप हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारा स्किल आपको एजुकेशन सिस्टम सिखा देगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपना डर निकालना पड़ेगा। डर अगर आपने निकाल दिया तो ये सारी चीज स्किल डेवलप हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज है शर्म, आपको शर्माना छोड़ना पड़ेगा जी, इन लोगों से कैसे बात करना है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैंने अपने दोस्त को बता दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, यानी कि लोगों का क्या कहना, लोगों का रिएक्शन क्या होगा, इस पे ध्यान नहीं देना है आपको, अपना काम करना, अपना काम करना, शर्माना बिल्कुल छोड़ देना है जी। और तीसरी चीज ये कि कम्फर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा जी, क्योंकि अगर आप नई बुलंदियों को हासिल करना चाहते हैं तो आपको कम्फर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा जी, है ना। तो सर बहुत सारी बातें हमने करण जी के साथ की और करण जी ने बहुत सारी चीज़ों का बहुत ईमानदारी से आंसर भी दिया, तो आज की टॉक को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपको फिर से मिलवाएंगे उन लोगों से जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और जो सच बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा नहीं मिलता करोड़ों रुपए ताकि वो झूठ बोले, उन्हें स्पॉन्सर नहीं किया जाता, वो बेचारे 10,000, 20,000, 25,000, 5,000, 4,000 रुपए उस समय कमा रहे होते हैं। तो धन्यवाद।